स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। और बात करेंगे गाइस आज की वीडियो में CBSE टर्म वन रिजल्ट को लेकर के, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि 15 जनवरी तक आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा अनाउंस। लेकिन आज भी मैं लेट नाइट इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और अभी तक भी आपके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम रिजल्ट आखिर कब आएगा। जैसे कि CBSE बोर्ड की तरफ से लगातार ये चीज़ सुनने में आ रही थी कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी तक आ जाएगा, तो अभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपका अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया और साथ ही साथ रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। सो मेक श्योर इन सभी सवालों के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें और टर्म टू के लिए भी जितने भी आपके अपडेट्स आती हैं वो सभी आप तक ईजिली पहुँचती रहें। सो गाइस देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। और काफ़ी सारे रिजल्ट क्या कहेंगे, एक तरीके से हम उसको स्कोर कार्ड बोलेंगे, क्योंकि CBSE ने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो उसमें मार्क्स वगैरह पास या फेल ऐसा कुछ शो नहीं होगा, उसमें एक तरीके से स्कोर कार्ड वो आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो है जैसे ही डिक्लेयर होता है तो वो तो खैर आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ बात कर लेते हैं, ओवर 30 लाख स्टूडेंट्स जो हैं अपने टर्म वन के रिजल्ट का कर रहे हैं वेट। और ये एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट आपका 15 जनवरी तक हो जाएगा रिलीज, लेकिन यहाँ पर जो है गाइज एक चीज़ अभी हमारे सामने आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है यानी आपका जो स्कोर कार्ड है वो इस वीक भी आने के चांसेस बहुत कम हैं, और वो कम से कम आपका भी एक वीक यानी नेक्स्ट वीक लेकर के जाएगा। जी हाँ, आपको पता है, देखो इसका रीज़न क्या है, एक हफ्ता कम से कम अभी आपका क्यों लगने वाला है। वैसे CBSE बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है और कभी भी ये पहले ही डिक्लेयर नहीं करता कि आपका रिजल्ट, एक कन्फर्म डेट कभी नहीं देता। आपको पता है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सडनली CBSE बोर्ड ने अपना रिलीज़ कर दिया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं टर्म टू के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर जो है अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म टू के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है कि किस तरीके से आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर CBSE बोर्ड ने अपलोड कर दिए हैं। देखिए रीज़न भी यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब कंडक्शन आपके टर्म वन का चल रहा था बोर्ड एग्ज़ाम्स का, क्योंकि आंसर्स कीज जो है वो सेम डे पर इवेल्यूएट हो रही थी। इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, आपको पता है, क्योंकि जो है जब आपका सेम डे इवेल्यूएशन चल रहा था तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से उसको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। और अभी जो है CBSE बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एरर रेज हुए थे उस टाइम पर जब आपका पेपर का कंडक्शन चल रहा था, और इसीलिए इवेल्यूएशन में थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है बोथ क्लास एंड ट्वेल्थ में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए आपको टाइम लग रहा है, काफ़ी सारे एरर्स देखे गए थे। इनफैक्ट जो एक पैसेज था क्लास टेंथ इंग्लिश का, वो भी जो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी एक मतलब विवाद हुआ था एक तरीके से उसके ऊपर भी। काफ़ी सारी स्पेलिंग के एरर्स भी थे, आंसर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर्स ही नहीं थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर CBSE बोर्ड ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि जो है उसके पास, मतलब CBSE बोर्ड के पास प्रॉपर मैकेनिज्म है इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है टर्म वन के रिजल्ट को अनाउंस करने में। और ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी स्टूडेंट पास या फेल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आफ्टर टर्म टू के आपका पब्लिश किया जाएगा। सो गाइस थोड़ा सा आपको अभी और वेट करना है, क्योंकि CBSE बोर्ड में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और कोशिश है कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और नंबर मार्क्स जो है आपको वो मॉडरेट करके दिए जाएँ। जो क्वेश्चन गलत थे या जिन क्वेश्चन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी क्वेश्चन को आपको मॉडरेट करके दिया जाए। तो जस्ट इसी वजह से CBSE बोर्ड थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि खराब और बेकार रिजल्ट अनाउंस करने से बेहतर ये होगा कि रिजल्ट थोड़ा सा हो जाए डिले। बट गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टर्म वन के रिजल्ट के चक्कर में कोई भी स्टूडेंट अपना टर्म टू की प्रिपरेशन में कटौती या कमी ना करे। टर्म टू को लेकर के आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपना एक्टिव मोड पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टर्म टू से लेकर रिलेटेड इंग्लिश की सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आपका सिलेबस रिगार्डिंग 9th to 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। हर एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए यू कैन ज्वाइन माय अदर चैनल विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE। तो PSC फॉर CBSE पर आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आप सभी का रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। चलिए सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।